करो कि 10 साल की जो यूपीए गवर्नमेंट के काम है उनका कंपैरिजन हमारे कामों से कर लीजिए। कैसे तुष्टीकरण ना करते हुए 37% जो सरकार की योजनाएं थी उस पर अल्पसंख्यक समाज ने फायदा पहुंचा है। कभी ये देखा नहीं 10 करोड़ के जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुए कि ये महिला हिंदू है या मुस्लिम है। अगर 3 तलाक से निजात दी गई तो मोदी जी ने दी। उन्होंने जो हज पर जाती हैं महिलाएं उसके लिए पुरुष साथी की जरूरत को खत्म किया। तो लगातार जो काम किए गए वो ये देखकर नहीं किए गए कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं। उन्होंने सिर्फ 4 वर्ग की बात करी जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसानों की बात करी। हम जाति में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगातार कांग्रेस करती है उसी का एक उदाहरण यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर डिवाइड करने का काम किया है। अभी आपने केरल में इनके सांसद डीके सुरेश का स्टेटमेंट सुना जिसमें कहा कि साउथ इंडिया तो अलग से एक देश होना चाहिए। जो गोवा के अंदर इनके कैंडिडेट है फडणवीस, उन्होंने कहा कि आप गोवा के अंदर भारत का संविधान लागू नहीं कर सकते। एक तरफ हमारी पार्टी है जो 370 लागू करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया और एक तरफ वो पार्टी है वो अभी भी डिवाइड करने की बात करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो उसमें देख लीजिए कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ हो कि एक जाति विशेष के लिए काम किया जाएगा। जिन 4 जातियों को मैंने मेंशन किया उन्हीं की बात लगातार की जा रही है और इसीलिए हमारे देश के लिए सही है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व वापस रिपीट हो। हम क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं वो किसी की बहकावे में आएंगे नहीं और हम सभी के दायित्व है कि आगे चल के 26 तारीख को जो विचारधाराएं मैंने बताई हैं उन विचारधाराओं में से आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कौन सी विचारधारा चूज करनी। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा अगर चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि पत्थरबाजी ना हो, अगर ये चाहते हैं कि रामनवमी पर दंगे ना हो, अगर चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब रमजान का महीना हो वहां पर निर्बाध बिजली की व्यवस्था हो और हमारे त्योहारों की कोई पूछ ना हो, अगर ये व्यवस्था चाहते हैं तो वह आपकी चॉइस है। छोटे बहकावों में नहीं, हमें बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है। एक राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, जिस विजन के साथ हम लोग काम करने के लिए आगे निकले हैं, उस काम को अगर हमें करना होगा तो निश्चित तौर पर 26 तारीख को मुझे विश्वास है कि हमारा क्षत्रिय समाज इस बात को समझेगा और निश्चित तौर पर हम आगे काम करेंगे। और मोदी जी देखिए, लगातार हमने देखा कि 2014 के अंदर जब मोदी जी का नाम आया तो राजनाथ सिंह जी ने उनका नाम आगे किया। क्षत्रिय समाज के नेता के रूप में उन्होंने मोदी जी को प्रेजेंट किया और मुझे विश्वास है इस बात को और मुझे खुशी है कि 10 सालों के अंदर कहीं पर किसी भी भेदभाव के बिना अगर काम करने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया। मेरे निकटतम सहयोगी रहे, छात्र राजनीति हमने साथ-साथ शुरू की और 2003 में टिकट हमको साथ-साथ मिला। लगातार हम विधायक रहे और संसदीय सचिव भी दोनों साथ बने और ठीक है उनका भाग्य था तो उनको लोकसभा में पार्टी ने पहुंचाया और लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। लेकिन वो सांसद रहते हुए, लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए समाज के साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा, पूरा सहयोग रहा और लगातार वो समाज के लिए समर्पित रहे। लोग, ये कांग्रेस की प्रायोजित कार्यक्रम है तो इसमें समाज को क्या है कि इसमें बहकाव में नहीं आना चाहिए। और ठीक है, समाज तो अपनी जगह है और समाज की भावनाएं कुछ आहत हुई है, लेकिन क्या है कि उसको मोड़ देना और इसका राजनीतिक प्रयोग करना ये बहुत गलत है। तो इसीलिए अब हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है और जुड़ा रहेगा। से आता हूँ जो समाज भारतीय जनता पार्टी के अगर कहा जाए तो नीम का पत्थर और इस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान ने किसी ने बनाया बढ़ाया तो वो हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत और पूरा समाज का सहयोग रहा। कांग्रेस ने हमेशा टॉर्चर करते थे, मेरे पिताजी अधिकारी रहे उस समय भी कहीं कोई नाराजगी किसी को होती थी तो ये कहते थे या तो भाई ये तो भैरव सिंह जी के आदमी है या कहते थे संघ के आदमी। और कांग्रेस सरकार में कई बार इस तरह की प्रताड़ना समाज को भी हुई। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।